नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे दाहिने साइड शिवानी है और बाएं साइड जेवा है और दोनों का सिलेक्शन एक गांव में रह के, ये मुजफ्फरपुर की है और मुजफ्फरपुर एकदम गांव में, जो खाटी गांव आप बोलते हैं, भोजपुरी गांव जो आप जिसको बोलते हैं, वहां कोई सुविधा नहीं है, वहां से ये तैयारी करके जॉब ली है और वो भी दरोगा बन चुके। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट था, दरोगा बन गए जी सर। इससे पहले कहां छटी? सर दोनों बार में मेरिट में छठी, मेरिट तक पहुंचा जी जी जी। और ये दोनों बार में मतलब यूट्यूब से ही पढ़ाई की थी, बिना किसी परचेजिंग के, मतलब जस्ट ऑनलाइन और फ्री ऑफ कॉस्ट। जी जी, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद में फिर मतलब ये तीसरा जब था तो मुझे था कि मेरा तीसरा टाइम खाली जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर शादी का कुछ ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम हो चुका है, अब नहीं हो रहा है तो शादी। तो जी, तो तीसरा था कि मेरा लास्ट है, अगर नहीं हुआ तो फिर तो जो होना है उसे होगा ही। तो बस तीसरा टाइम में वही बाजी मारने वाला काम, बाजी मारने जैसे। शादी नौकरी वाला से करिएगा या कोई भी चलेगा? डिपेंड करता है सर फैमिली के ऊपर, क्योंकि पढ़ने में पूरा फैमिली का साथ रहा है तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं कैपेबल हूँ, मेरे पास नौकरी है, तो डेफिनेटली वो लोग भी जैसा ढूंढेंगे अच्छा ही ढूंढेंगे। जैसे होता क्या है, मतलब बच्चे में देखा जाता है, पुरुष वर्ग में देखा जाता है कि वह महिला पर ये आरोप लगता है, मैं नहीं लगा रहा हूँ, कि महिला को यदि नौकरी लग जाए तो वो सरकारी ही खोजती है, पुरुष को नौकरी लग जाए तो वो प्राइवेट चलेगा, बेरोजगार भी चलेगा। आप लोग क्यों ऐसा करती हैं? सर ऐसा मेरा कोई डिमांड नहीं, मतलब मैं अपना पार्टिकुलर खुद को लेके बोलूं तो मेरा ऐसा कोई डिमांड नहीं कि मुझे जॉब वाला ही चाहिए, वो भी स्पेशली सरकारी। वो डिपेंड करता है सर फैमिली के ऊपर। अब बाकी लड़की अगर ऐसा करती है तो ये तो गलत है सर, और मैं इस पे कुछ कह नहीं सकती। कुछ कहने जैसे आप गांव से पढ़ी हैं, गांव में बहुत सारा दिक्कत होता है, वहां पे कोई बुक अवेलेबल नहीं होता है, सोर्स नहीं रहता है, लेकिन नेट युग था, नेट युग का पूरा उपयोग किए हैं, नेट का कैसे सदुपयोग किया? सर नेट जैसे कि अभी के बच्चों के हाथ में जाता है तो ये इंस्टाग्राम, मतलब ये सब चीजें, स्नैपचैट, ये सब चीजें मेरे फोन में नहीं थी। ये सब सर अभी जो रिजल्ट आया उसके बाद मेरे फोन में आए। मैं तो जानती भी नहीं कि फेसबुक को मतलब यूज कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन हाँ नेट का उपयोग मैं पढ़ाई में की थी शुरू में, जब 2020 में 20 तक सर मतलब जब मैं पढ़ी उस समय ऑनलाइन क्लासेस मिलता नहीं था जल्दी YouTube पे, तो वहाँ पे प्रवीण सर का मुझे कुछ वीडियोस ऑफ मतलब वो इरिटेरिया वाले पर, हाँ एग्जैक्टली सर इरिटेरिया वाले सर वो डाला करते थे, तो उनका मुझे वो वीडियोस मिलता था, फिर जाकर के उसी वीडियो को मैं पढ़ती थी, उसके बाद में उसका शॉर्ट नोट्स बनाती थी, और कुछ बुक थे जो मतलब कोई यूट्यूबर मतलब प्रिस्क्राइब करते थे कि हाँ ये करना है, तो मैं वो सब लेकर के तो तैयारी करती थी। अभी आप एग्जाम टूर पर इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या इससे पहले ये चैनल को कभी देखी थी या नहीं? नो सर, मैं दी भी नहीं हूँ, मैं जानती भी नहीं थी, यही थी मुझे पता चला। अभी और आपसे बात करते हैं तब तक शिवानी से बात करते हैं। आप गांव से हैं जी सर, आप भी कहीं कोचिंग क्लास नहीं की, केवल ऑनलाइन पढ़ के यूट्यूब पर पढ़ के आपका भी सिलेक्शन हो गया। जैसे करंट बहुत बड़ा दिक्कत करता है विद्यार्थी के मन में, कैसे आप तैयारी की? सर ड्रीम डोज में ज्वाइन की थी, वो करंट को इतना अच्छे से पढ़ाते थे, उसी में आपको कंट्री का नेम, करेंसी, बहुत सारे चीजें याद हो जाता था। जैसे वो स्टैटिक जीके में बहुत तो याद नहीं होता है कि कंट्री का राजधानी क्या है, उसका करेंसी क्या है, सर इतना अच्छे से पढ़ाते थे, वो मुझे हेल्प हुआ। और हर एक मतलब जैसे फरवरी का 15 दिन का डाल दिए, जैसे जैसे वीडियो डालते गए मंथली कम्प्लीट होते चला गया, तो करेंट में मुझे कोई ज्यादा दिक्कत हुआ नहीं सर के वजह से। पहले स्पीडी पढ़ती थी तो बहुत मुझे लंबा लगता था, याद ही नहीं होता था, जैसे पढ़ ली फिर भूल जाती थी, लेकिन सर के पढ़ाने के बाद फिर मुझे दिक्कत नहीं हुआ, करेंट में दिक्कत नहीं हुआ, ठीक हो गया। आपका शायरी बहुत वायरल होता है और मेरे चैनल पर कई सारा शायरी आपका वायर है, शायरी का भी शौक है क्या? जी नहीं, बस वो चीज दिल में था तो निकल गया, सच में तड़पा रखा है वर्दी, तड़पा रखा था। कौन सा अटेम्प्ट था? तीसरा था, इसीलिए दो बार तो तड़पी तो सोची इस बार तड़पे जी। मेरी टाने के बाद बहुत रोना आता है, संजोग यही हुआ कि ये भी तीसरा अटेम्प्ट, आपका भी तीसरा अटेम्प्ट, दोनों एक ही तीसरे अटेम्प्ट वाले मिल गए। घर कहाँ हुआ? सर रोहतास में पड़ेगा, विक्रमगंज के पास में, कोनी गांव है मेरा। सेट उट बनाती थी रूम पे? हाँ, सेट बनाती। कौन सा बुक से बनाती? जैसे कोई एक नहीं था प्लेटफॉर्म का था, एडिटेरिया था, कुछ ऑनलाइन हो गया, सर भी कुछ सेट डालते थे, जो मिल गया सो बनाती। इतना स्कोर आता था? स्कोर तो पहले कम आता था, सर से जुड़ने के बाद धीरे धीरे बढ़ते चला गया मेरा। मेंस में 75, कभी 74, कभी वेरी करता था, स्टेट पे डिपेंड करता था, कुछ हार्ड सेट बना दो कम आ जाता था, तो डिप्रेस नहीं होना है कि कम नंबर आ रहा है ज्यादा आ रहा है, बस एग्जाम में क्या इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना, मेरिट उसी से बनता है। इजी गलत नहीं, नहीं टफ है तो सबके लिए टफ होगा ना, इजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना चाहिए, नहीं उससे मेरिट उसी से बनता है लास्ट में।
एक लास्ट विद्यार्थी के मन में ये होता है कि एक बार छट गए हतोत्साहित हो जाते हैं, दूसरा बार छटे और हतोत्साहित, तीसरा बार का कोई प्रयास ही नहीं करता है। कैसे आप तीसरा बार उठी? तीसरा बार उठने के लिए मम्मी पापा दोनों मेरे को बहुत मदद किए। पापा अपने टाइम में छट चुके थे दरोगा में ही। पापा का सपना पूरा, पापा का सपना था कि मैं भी वर्दी पहनूं। बस वो था कि बस वर्दी में पापा के सामने आना है किसी भी तरह। और ये लास्ट था, इसमें जी जान, या तो जाने दो या तो जान लगा दो, जाने दो या जान लगा दो। जान इसमें लगा दी अच्छे से, पीटी मेंस फिजिकल में भी। फिजिकल से एक दिन पहले मेरा पैर में मोच आ गया था, मैं दौड़ने लायक नहीं थी। लेकिन कहा जाता है ना कि जब माँ बाप बाहर हो ना गेट के पास, तो इंसान कर लेता है। फिजिकल कहाँ से सीखी? गुरुजी के पास। थोड़ा सा लास्ट एक दो जो आप लोग सवाल करते हैं उस पर बातचीत करेंगे। आप साइंस के लिए क्या की थी? सर साइंस का मतलब मैं इंटर में जो थी तब मेरा सब्जेक्ट साइंस था, लेकिन गांव से पढ़ी थी तो डेफिनेटली वहां पे कुछ अच्छे से हुआ नहीं था, तो मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं था। और दो बार अटेम्प्ट जो मेरा मेरिट नहीं बना वो सिर्फ और साइंस के कारण ही नहीं बना, तो तीसरी बार बस ड्रीम रोज के बारे में मुझे पता चला मेरे एक फ्रेंड के थ्रू ही कि वहां से करो, वहां से पता चलेगा कि साइंस एक्चुअल में मतलब कि साइंस अगर किसी को पढ़ना है सर, अगर मैं ये डेफिनेट मतलब बोलती हूँ कि अगर कोई भी बच्चा कोई भी कैंडिडेट अगर साइंस पढ़ना चाहता है स्पेशली दरोगा के लिए, तो ड्रीम डोज से मतलब जुड़े ही जुड़े, क्योंकि सर जिस तरीके से साइंस पढ़ाते हैं ना सर, काबिले तारीफ। मतलब मैं उनका तारीफ करूँ ना सर, बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि मेरा साइंस के कारण ही सर स्कोर भी काफी अच्छा हुआ, मेरिट भी बना है। तो साइंस जो है ड्रीम डोज का जितना बेहतरीन है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे टीचर होंगे पूरे यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे ऐसे कोचिंग है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे होंगे जो ड्रीम डोज का मुकाबला कर पाए, क्योंकि इनका साइंस जो है ना सर वो मतलब अपर लेवल का है, काफी अच्छा है। दो बार आप साइंस के कारण? जी सर बिल्कुल, मैं साइंस के कारण ही छटी हूँ, क्योंकि मेरा आर्ट्स का सेक्शन काफी अच्छा रहा है, शुरू से अच्छा रहा है, और इस बार भी आर्ट्स का सेक्शन अच्छा था, लेकिन साइंस इस बार भी वीक था। और फाइनली मतलब मेंस के समय से मैं सर से जुड़ी थी, वैसे प्रीलिम्स के समय से, लेकिन मैं परचेज की थी मेंस की, और साइंस से पूरा फोकस जो 20 दिन का हम लोग का टाइमिंग मिला हुआ था जनवरी का लास्ट मंथ में, मतलब जनवरी के ना लास्ट मतलब डेज में सर ये आया था, हम लोग का आया था ये प्री का, हाँ प्री का सर रिजल्ट आया था, और मेंस का डेट दे दिया था 25 फरवरी का। तो ये जो 20-25 दिन का जो था सर, पूरे तरीके से मतलब होता ना डिपेंड हो जाना, पूरे तरीके से डिपेंड में वहाँ ड्रीम डोज पे साइंस को लेकर के, और वहीं से जो स्कोर मेरा आया है सर वो ड्रीम डोज का ही दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। थैंक यू सो मच सर।